मुझे आने में देर हो गई, वेलकम स्पीच मेरी थी, इसलिए अभी भी वेलकम कर लेती हूँ हम लोगों को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदुन सल्ले रसूल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर साहब, मौजूद मेहमान खुसूसी हाजिरान जलसा, मेरे भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया मेंबर जमात फेडरेशन की तरफ से हम आप सबका तहे दिल से खुशामदीद करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज यहाँ बोर्ड मेंबर्स, जोनल सेक्रेटरीज, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स और 501 जमातों के डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स, यूथ और स्पोर्ट्स कमेटी के मेंबरांस, सबके सब नुमाइंदे हाजिर हुए जो इंडिया के कोने कोने से और हज़ारों मीलों के मुश्किल सफ़र तय करके अल्लाह सुबहान ताला के रिजा के लिए हाजिर हुए। इसका अजर और मुआवजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर देगा, क्योंकि कहते हैं कि जितने कदम हम हमारे घर से चलते हैं इस अल्लाह ताला की गरीब मखलूक की परेशानियों को दूर करने की महफिल में आने के लिए, हमारे हर कदम पर सैकड़ों नेकियां लिखी जाती है और जिस ज़मीन पर हम चलते हैं वो हमारे लिए दुआ करती है और कहती है कि नेक बख्त इंसान, तू जिस काम के लिए जा रहा है उससे अजर से जब तू मेरे पास आएगा मैं तुझे खुशामदीद कहूँगी और तेरे लिए मैं वसी हो जाऊँगी और तुझे जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में समा लेती है ऐसे अपने आगोश में लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, कब्र के अजाब सुनकर हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। अल्लाह ताला इस अजाब से कितनी आसानी से हमें बचा रहा है सिर्फ इस महफिल में आने से। एक बार फिर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, अब सबका वेलकम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिस वजह से हम यहाँ सब जमा हुए, अल्लाह ताला के मजलूम तकलीफ़ में फंसी हुई मखलूक हुजूर की गुर्बत से भरी उम्मत की परेशानियों को दूर करने के लिए, तब ऐसी महफिलों में हमारे सरों पर फरिश्ते मंडराते हैं। सुभानअल्लाह, जब उन फरिश्तों से अल्लाह ताला पूछते हैं क्या फरिश्तों ये मजमुआ कैसा है, तब फरिश्ते फरमाते कि अल्लाह सुभान ताला ये सब आपके गरीब मखलूक की फिक्र दिलों में लिए हुए यहाँ आए हैं। तब अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं क्या मुझसे क्या चाहते हैं, फरिश्ते फरमाते हैं कि तुझसे जन्नत की उम्मीद रखते हैं, दोजख से पनाह चाहते हैं। तब अल्लाह ताला फरिश्ते से पूछते हैं कि क्या इन्होंने मुझे कभी देखा है, क्या कभी इन्होंने मेरी जन्नत या दोजख देखी है। तब फरिश्ते फरमाते कि नहीं, इन्होंने कुछ नहीं देखा। तब खुदा फरमाते कि फरिश्तो ये सब सिर्फ मेरे महबूब की बात पर यकीन करते हुए मुझ पर ईमान ले आए, तो जाओ इन्हें फरमा दो कि मैंने इन सब की मगफिरत फरमा दी। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, रात रात भर जाग कर जन्नत की चाह में नमाजें पढ़ते, दिन में रोजे रखते, हज उम्र की तकलीफें खुशी खुशी उठाते, लेकिन आज देखो अल्लाह ताला ने जन्नत कितनी आसान कर दी है सिर्फ ऐसे महफिल में शामिल होने पर। अल्लाह हमें बख्श रहा है, हमारी मगफिरत फरमा रहा है, सिर्फ उसकी उम्मत की फिक्र दिल में रखने से हमें बख्शिश दी जा रही है, तो सोचो उम्मत की मदद करने पर हमें कैसे इनामात मिलेंगे। आज इकबाल भाई की वजह से हमें खुशनुदी हासिल हुई है। आज इस महफिल में हम मजलूमों की दुआओं को हासिल करने के लिए जमा हुए हैं, क्योंकि कहते हैं कि दुआ किसी को दिलाती है तख्तो ताज, मगर किसी की आह भी हुकूमत छीन लेती है। तो चलो आज इन मजलूमों की दुआओं के लिए अल्लाह ताला से पहले हाथ उठाकर दुआ करते हैं। तुझसे या रब ये सरफे हुदा चाहिए, सीधे रास्ते सिराते मुस्तकीम का हमको पता चाहिए, दिल को राहत मिले तेरे असकार में, सर भी झुकता रहे तेरी सरकार में, और क्या हमको इसके सिवा चाहिए। दिल नबी के मोहब्बत में सरसार हो, हक अदा सुन्नतों का लगातार हो, हर भलाई में दिल लगता रहे और बुराई से दामन बचाते रहे, बस यही हमको तेरी हुदा चाहिए। मौला दौलत के कम दिल को चाहत रहे, जो मिले रिस्क उस पर कनात रहे, मगफिरत के है तेरे खजाने भरे और रहमत के अंबार भी है लगे, क्या अब भी बताए कि हमें क्या चाहिए, बस सिरात मुस्तकीम का पता चाहिए। आज जिस मकसद से हम यहाँ जमा हुए उसमें एक मकसद इकबाल भाई का अनपोज तीसरी बार ऑल इंडिया मेंबर जमात फेडरेशन का प्रेसिडेंट का आला मुकाम हासिल करना ये भी है। मैं तो कहती हूँ आज हमें रिजोल्यूशन ही पास कर देते, जैसे रशिया, तुर्की और चाइना ने अपने प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट करने का रिजोल्यूशन पास किया है, हम भी वहीं करते हैं कि जब तक इकबाल भाई की हयाती है हम उन्हें ऑल इंडिया मेंबर जमात फेडरेशन का प्रेसिडेंट बने रहे इंशाल्लाह। क्योंकि ये होते इंसानों के दिए हुए नहीं है, ये अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा चुने हुए बंदों को देता है, जिसे वो खुद पसंद करता है उसे अपनी उम्मत की जिम्मेदारी सौंपता है, तब हम उसको अपोज करने वाले कौन होते हैं। इकबाल भाई के लिए क्या कहूँ, तेरे निगाह करम ने फकीरों की झोलियाँ भर दी, तेरी नज़र ने गदाओं को सहर यार किया, तेरे निगाह करम ने उन आँखों को तसल्ली दी जिसे जमाने ने अस्कबार किया। आई कैन ओनली डिस्क्राइब इकबाल भाई इन वन वर्ड, ही इज़ अ नॉर्थ स्टार ऑफ मेमन कम्युनिटी, is a north star always shining with his light in darkness and guiding our community in the right direction. humne ikbal bhai ko chuna hai unki khud ki qabiliyat ki wajah se, ye apni qabiliyat ki wajah se sirf old india meman jamaat federation ke president nahi hai,
वो प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के, एकता वेलफेयर एसोसिएशन के, एक फाउंडर प्रेसिडेंट वासवर मेमन जमात मुंबई के, मोहम्मद अली रोड मर्चेंट एसोसिएशन मुंबई के, गारमेंट एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड सूफी काउंसिल मुंबई के, ईद मिलादुल नबी कमेटी के चेयरमैन है, मेमन फाउंडेशन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के, वाइस प्रेसिडेंट रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर एसोसिएशन के, मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के एडिटर है, मेमन समाज जन्मभूमि गुजरात के, सेक्रेटरी है भारत उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली के, एक्स असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया चैप्टर के, लाइफ मेंबर है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन इस्लाम मुस्लिम एम्बुलेंस का इस्लाम जिमखाना के, मेंबर है सेतु के पुलिस कमिश्नर फॉर कमिटी के, मेमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के, एक स्टेट हज कमिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के, ट्रस्टी है सेंटर फॉर एड्स केयर एंड क्योर एंड कैंसर के, दारुल उलमा यतामा ट्रस्ट के, फाउंडर है मेमन टाइम्स मैगजीन के, द ओनली मैगजीन विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मंथली मैगजीन सर्कुलेटेड इंडिया एंड अब्रॉड। और क्या सबूत चाहिए हमें इनके काबिलियत के? और भी कुछ सबूत चाहिए आप लोगों को इनके काबिलियत के? अब मैं इनके अवार्ड्स और इनके जो टाइटल में उनके बारे में बताऊँ। इनके अवार्ड्स है बेस्ट जोनल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र जोनल फ्रॉम ऑल इंडिया मेमन जवान फेडरेशन से, रतन शिरोमणि अवार्ड फ्रॉम इंडियन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर यूनिटी से, मानव पद्म अवार्ड फ्रॉम एकता फोरम से, गुजरात के गौरव अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, कौमी खिदमत अवार्ड फ्रॉम हुदा टाइम्स से, खिदमत ए खल्क अवार्ड फ्रॉम ओपलेटा मेमन जमात से, सोशल वेलफेयर सर्विसेज टू मेमन कम्युनिटी अवार्ड फ्रॉम मेमन जमात कनाडा से, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक रिलेशन फ्रॉम मेमन एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका से, खिदमत ए खल्क अवार्ड फ्रॉम मुस्लिम काउंसिल ट्रस्ट से, फकरे मेमन नमाज फ्रॉम नागपुर जमात से, वकार ए मिल्लत अवार्ड फ्रॉम बिलासपुर मेमन जमात से, मेमन ऑफ ग्लोबल मेमन यूनिटी फ्रॉम मेमन एसोसिएशन नॉर्थ टेक्सास से, मेमन आइडियल ऑफ मेमन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैलिफोर्निया से, लेजेंड ऑफ मेमन कम्युनिटी बाय मेमन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका कैलिफोर्निया से, मेमन प्रीमियर लीग अवार्ड बाय मेमन एसोसिएशन नॉर्थ टेक्सास डालास से, एंड मेनी मोर टू कम। मैं इनके साथ अभी गुजरात के सफर में थी, वहाँ के कितने सारे लोग सिर्फ इनसे मिलने और इन्हें देखने आए थे, वहाँ की जमातें परेशान, प्रेसिडेंट परेशान कि हम ट्रॉफी में अब इनके लिए क्या लिखे, कोई अवार्ड कोई टाइटल बाकी नहीं था क्योंकि इनको सारे के सारे टाइटल दे चुके थे। इकबाल भाई की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो ग्रास रूट वर्कर है, ये सिर्फ हमारी मेमन कम्युनिटी में पॉपुलर नहीं है, ही इज इक्वली पॉपुलर इन मुस्लिम नॉन मुस्लिम एंड मेमन नॉन मेमन कम्युनिटी, ही इज नॉट ओनली पॉपुलर वेल नोन इन इंडिया बट इक्वली पॉपुलर इन अब्रॉड। हमने देखा इसी साल जब यूएसए की ट्रिप पर थे तो वहाँ के लोगों ने किस कदर इन्हें हाथों हाथ उठाया था, किस कदर इज्जत और आराम से नवाजा, किस कदर अवार्ड्स और सर्टिफिकेट की दावतों की बारिश की, क्योंकि इकबाल भाई का रूल है, क्योंकि इकबाल भाई का रूल है, करो वो काम कि दुनिया गले से लगा कर चले, करो वो काम कि दुनिया गले से लगा कर चले, दुश्मन भी गली से गुजरे तो सर झुका के चले। इन्हें ग्रास रूट वर्कर इसलिए भी कहती हूँ कि ये यंग एज से ही सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को इन्होंने 1975 में ज्वाइन किया एज ए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर एंड ग्रेजुअली प्रोमोटेड टू जोनल सेक्रेटरी, और तब भी इनकी यंग एज में भी इनके कारनामे देखो कि इनकी सर्विस को देखते हुए बेस्ट जोनल सेक्रेटरी का अवार्ड दिया गया। और उसके बाद इनके अपॉइंटमेंट हुई वाइस प्रेसिडेंट, इस दौर में तो इनकी मेहनत के ऐसे जलवे ऐसे उजागर हुए कि इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट की टेन्यो में 100 जमातें नहीं बनाई, इंडिया की 500 जमातों को बढ़ाने में इनका जो किरदार है वो आज तक किसी ने नहीं निभाया। मैं तो कहती हूँ हवाओं से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिगाक बुगाए, एक इकबाल भाई जैसा जला कर तो दिखाए। 500 जमातों में से कोई जमात छोटी या बड़ी ऐसी नहीं जिसका दौरा इन्होंने नहीं किया, उनके हालात नहीं देखे, उन हालात को सुधारा नहीं, उसमें से कई जमातों को तो इन्होंने आगे बढ़ाया, मजबूत किया। इन्होंने हमेशा यही कहा है, ए अल्लाह मेरी राह तो बस राह जुनू है, मंजिल को गरज हो तो कुछ इस राह पर आए। अपने सिलेक्टेड बंदे को अनोपोज प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया मेमन जमात फाद खुदा ने बना दिया उस वक्त। इस तरह ये इंसान ग्रास रूट से ऊपर उठाए,
क्योंकि जब ये ओडिशा से 1972 में मुंबई में आए थे तब इनके खीसे में सिर्फ 25 पैसे थे। इन्होंने फेरिये का बिजनेस शुरू किया और आज अपनी मेहनत और लगन से सारे होकर्स एसोसिएशन के प्रमुख हैं और आज खुद के 100 होकर स्टॉल के मालिक हैं। इन्होंने गरीबी को बड़ी नज़दीक से देखा है, गरीबों के हार्ड सिर्फ तकलीफें मुसीबतों को खुद ने महसूस किया है और आज इसीलिए अपने वक्त के स्ट्रगल से अपनी कौम को बचाने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। कहते हैं कि जिंदगी उसी की है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो दुनिया में हर शख्स आता है मरने के लिए। मैंने कभी इकबाल भाई को कोई ब्रांडेड जूते या ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड बोझ या ब्रांडेड वॉलेट या फिर कफलिंग में नहीं देखा, क्योंकि जिसकी अमीरी उसके लिबास में वो हमेशा फकीर रहेगा। जिसकी अमीरी उसके लिबास में वो हमेशा फकीर रहेगा और जिसकी अमीरी उसके दिल में वो हमेशा गनी रहेगा। इसलिए इकबाल भाई हमेशा गनी है। वो आज प्रेसिडेंट बनकर इररिस्पेक्ट ऑफ कास्ट एंड क्रीड सभी को अपने पैरों पर खड़ा करना, बेघर को घर की छत देना, मरीजों का इलाज कराना, बेवाओं को सालियाना बांध देना, गरीब बेटियों की शादियां कराना, मास मैरिज कराना, जगह जगह पर औरतों के और बच्चियों और बच्चों के लिए ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल होम बनाना, हॉस्पिटल ही खोलना जहाँ गरीबों का इलाज फ्री हो इसलिए बड़ी बड़ी अस्पतालों पर टाइप करना, ऑर्फनेज चलाना, स्कूल खोलना, बच्चों को एजुकेशन हेल्प देना, सबसे बड़ी बात टू प्रमोट द एडवांसमेंट अपलिफ्टमेंट यूनिटी वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल पर्टिकुलर मेहमान। भूखों को राशन पहुँचाना, रोज के रमजान के 300 दिन रोजदारों को रोजा खुलवाना, मरीजों के लिए अपनी ऑफिस के बाजू में एक क्लिनिक खोल देना, इस एज में भी रात रात भर ट्रेन की और गाड़ियों के मुश्किल भरी सफर करके एक एक तकलीफ ज्यादा जमातों के पास और रिलीफ के लिए खुद नेचुरल डिजास्टर की जगहों पर पहुंच जाना, ये हमेशा कोशिश में रहे कि किसी भी तरह से जमातें जागरूक हो, जमातों में इलेक्शन हो, जमातों में कलेक्शन हो, जमातें अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए ताकि वो कुछ बड़े कामों को अंजाम दे सके। ये हमेशा कोशिश में किसी तरह से इंप्रूव द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कम्युनिटी। इनका मेन मकसद ये है कि टू रिलीव पॉवर्टी सिकनेस डिस्ट्रेस एंड सफरिंग ऑफ एनी पर्सन हु आर इन नीड ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड नेशनलिटी। इनकी जिंदगी एक माइलस्टोन बनकर रह गई। अब फिर इकबाल भाई के लिए यही कहूंगी, हम मुकाबला करेंगे तेरा उसी हौसले से जिंदगी, हम वो बरगद नहीं जो डालियां टूटने से सूख जाते हैं, हमने संघर्षों से लिखी है दास्तान कामयाबी की, अब साजिशों से बुझ जाए हम वो चिराग नहीं। भूतों ना भविष्य तो कभी हमने नहीं देखा कि किसी भी प्रेसिडेंट ने, फिर चाहे वो 8 साल रहा हो या 18 साल प्रेसिडेंट रहा हो, किसी ने आज तक सिर्फ 8 साल के टेन्यूर में 54 करोड़ डिस्बर्स किए हो सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल कोज के लिए। ये सारा अमाउंट हाउसिंग हेल्प, मेडिकल हेल्प, रिलीफ हेल्प, मैरिज हेल्प, कम्युनिटी सेंटर हेल्प, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर हेल्प, वुमन एम्पावरमेंट, कॉलोनी बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, ऑर्फनेज बनाना, गाँव में कुएं खुदवाना, कई शहरों में ठंडे पानी के हजारों लोग अपने प्यास मिटा उसे प्यू लगाना, यूथ विंग, स्पोर्ट्स विंग, लेडीज विंग, डिजास्टर मैनेजमेंट विंग, मैट्रिमोनियल विंग, मेडिकल विंग को फुल सपोर्ट करना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एनकरेजमेंट के साथ मॉनिटरी हेल्प भी देना। और इसीलिए आज ये सारी विंग्स इनके टेन्योर में बेहतरीन काम कर रही है। हम क्या चाहते हैं प्रेसिडेंट से? 500 जमातों को मजबूती से पकड़े रहे, उनमें यूनिटी बनाए रखे, उनके प्रॉब्लम सोल्व करें। इनके टेन्योर में माशाल्लाह कोई स्कैंडल नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह डोनर सारे खुश है। एक कंपनी के हेड की तरह इन्होंने फेडरेशन को चलाया है। कंपनी का जो हेड है तो जानता है कि कॉरपोरेट कंपनी के लिए कैसे फंड जमा करना, किस तरह ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी के साथ उसे डिस्बर्स करना, अपने बोर्ड मेंबर को और दूसरे मेंबर्स को खुश रखना, कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देना, कंपनी को अपलिफ्ट करना, ये सारे काम इकबाल भाई कर रहे हैं। कॉरपोरेट कंपनी की तरह फेडरेशन को चला रहे हैं, ये इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। खुद MBA CA बैंकर नहीं है लेकिन वो डिग्री वाले भी शर्मा जाए ऐसा काम कर रहे हैं। हम नसीबदार है कि ऐसे प्रेसिडेंट मिला जो ख्वाब को हकीकत में बदल रहा है। इकबाल भाई ने खुद कहा है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में पैदा करना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कि घोंसला कैसा बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इकबाल भाई ने जुनून ने तिनका तिनका उठाकर ऑल इंडिया मेमन जमान फेडरेशन के घोंसले को बनाया है। आज हमारे अपने फेडरेशन के ऑफिस है, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। ऑफिस के सामने खूबसूरत मैदान बन गया है, इकबाल भाई की देन है। कहावत है कि मेन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, लेकिन यहाँ उल्टा है, इकबाल भाई प्रपोजेस एंड अल्लाह रिस्पॉन्सेज, क्योंकि इनकी नीयत अच्छी है, जो जैसी नीयत वैसी अल्लाह की नेमत। इनके माइलस्टोन क्या गिनाऊं, मेमन डे, मेमन एंथम, मेमन टाइम्स, मेमन कॉफी बुक, 100 मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मेमन ऑफ द वर्ल्ड में इनका नाम है।
ऑल इंडिया मेमन जवान फेटे को ग्लोबली फेमस कर दिया है। 90 कंट्री में मेमन डे के एम्बेसडर खड़े कर दिए। इतनी यूनिटी, इतनी धगस, इतनी जागरूकता, इतना जज्बा मैंने कभी किसी ऑर्गेनाइजर से मैं नहीं देखा। 8 साल के टेन्योर में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के बीच को एक बार भाई ने ऐसा सींचा कि एक लहर लहराता दरख्त बन गया, जिसकी छाव में लाखों बेघर लोग, यतीम बच्चे, बेवाएं, मरीज, मुसाफर, कैदियां चैन की सांस ले रहे हैं। अगर इंसान में हिम्मत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मर्द जमाना आफतों से डर नहीं सकता, तो अपनी राह चलता जा, जमाने की ठोकरों से न डर, क्योंकि जिसका खुदा खुद सहारा हो वो बसर कभी गिर नहीं सकता। इकबाल भाई 501 जमाते और 15 लाख मेमनों को अपने में समेटे हुए और अब्रोड के न जाने अनगिनत मेमनों को समेटने में लगे हुए। इस इंसान को मैं मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट एंड मोस्ट पॉपुलर लीडर कहती हूँ। ये वो शख्सियत है, ये वो लीडर जो फॉलोअर नहीं पैदा करता लेकिन लोगों में लीडर तलाश करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इमरान भाई, शकील भाई, आसिफ भाई जैसे लोग जो इकबाल भाई के टेन्योर में सारे लीडरशिप की और फ्यूचर लीडर बनने को तैयार हो चुके हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि चिरागों के अपने घर नहीं होते, जहाँ जलते वहीं रोशनी बिखेर देते हैं। इकबाल भाई ने अनगिनत लोगों को घर की छत दी है, औरतों की मस्जिद उनका घर होता है। तो सोचो इकबाल भाई ने कितनी सारी मस्जिदें तामील कर दी है, जितने घर उतनी औरतों की मस्जिदें। इकबाल भाई, नो वन टेक, लिसन टू दिस इकबाल भाई, इकबाल भाई, नो वन कैन टेक योर प्लेस व्हेन अल्लाह हैज क्रिएटेड यू, ही थ्री अवे द मोल्ड। प्लीज डू नॉट मेक मिस्टेक ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, अल्लाह हैज मेड यू फुल्ली लोडेड एंड टोटली इक्विप्ड। आज हम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के गोल्डन ईरा से गुजर रहे हैं। एक एक मीटिंग में एक एक करोड़ रुपया तकसीम करना बड़ी हैरत अंगेज बात है, वो भी बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ। हम सारे बोर्ड मेंबर को बताकर, उनके परमिशन लेके, हर एक एप्लीकेशन को बड़ी बारीकी से छान कर जमातों को प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के मंजूर से पास करने में आता है। अगर फलक को जीत है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जीत है। आखिर में इतना ही कहूंगी, अगर फलक को जीत है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जीत है वहीं पर आशियाना बनाने की, हम होंगे कामयाब। क्योंकि इकबाल भाई कहते हैं, हमको तो आता है राह बनाने का हुनर, हम पहाड़ों से भी रास्ता नहीं मांगा करते पर खुद रास्ता बना लेते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना इकबाल भाई का मकसद नहीं है, उनका ख्वाहिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। इकबाल भाई ने एक चिंगारी को सोला बना दिया, उस सोले की रोशनी में 501 जमाते और 15 लाख मेहमान जगमगा रहे हैं। आखिर में इतना ही कहूंगी कि इकबाल भाई करते हैं, आखिर में इतना ही कहूँ कि इकबाल भाई कहते हैं, कोई जहा दे ना जलाल दे मुझे, सिर्फ इतना कमाल दे मुझे, मैं हर एक दिल की सदा बनूं कि जमाना मेरी मिसाल दे। मैं बुलंदियों से रहूं मगर रे पस्तियों की मुझे खबर, मैं उरूज कर मुझे अता जो कभी ना मुझको जवाल दे। तेरी रहमतों का नुजूल हो, मेरी मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल व जड़ की हवस न हो, मुझे रिज़्क दे तो हलाल दे। तू रहीम है, तू करीम है, तू सभी बलाओं को टाल दे। कोई जहा दे न जलाल दे मुझे, सिर्फ इतना कमाल दे मुझे, मैं हर एक दिल की सदा बनूं कि जमाना मेरी मिसाल दे। वाह खुदावना ने, अल्हम्दुलिल्लाह।